नहीं, आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और हम रीटा माधुर जी को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ने साथ में काम किया था एक नई पहचान सीरियल में, सूरज, करण, क्रिस्टल, अंकिता एंड पद्मिनी, वी ऑल वर्क टुगेदर एंड वी आर रियली मिसिंग रीटा जी टुडे, रीटा माधुर जी. सो इन हर मेमोरी वी वॉन्टेड टू गेट टुगेदर एंड पे अ होमेज टू हर. वी ऑल हैड वंडरफुल टाइम एंड मेमोरीज ऑफ हर. सो क्विकली वन लाइन एवरीबडी कैन जस्ट. पद्मिनी जी, मैं यही कहूँगी गॉड ब्लेस हर सोल, वो हमेशा याद रहेंगी हमारे दिल और दिमाग में, और जो भी उनके चाहने वाले थे और हैं उनको हमेशा याद रखेंगे. बहुत ही अच्छी इंसान थी, शी वॉज अ ग्रेट सोल, ग्रेट पर्सन, वेरी काइंड, वेरी लविंग, वेरी अफेक्शनेट, एंड शी विल बी रिमेंबर्ड वेरी फॉन्डली बाय ऑल ऑफ अस एंड एवरीबॉडी. मैम आप कुछ कहना चाहिए? हमेशा उनको स्माइल करते हुए देखा, हमेशा उनको खुश देखा. आई रिमेंबर वो स्पेशली मेरे लिए करेले लाती थी, एंड एक दिन मैं उनके सेट पे शूट भी नहीं कर रही थी, मैं अपने अगले शो के लिए शूट कर रही थी, बट शी न्यू आई वाज शूटिंग ऑन द नेक्स्ट सेट, और वो स्पेशली उन्होंने खाना बनाया और मेरे सेट तक भिजवाया, एंड आई इट रियली टच्ड मी, बिकॉज समवन डूइंग सो मच फॉर यू विद नो एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न इज़ वेरी It's very rare to find in today's world. So I really, you know, I wish we spend more time with her. I really wish that, you know, we could have been with her more in her last days. If only we knew that she was so unwell. She never shared her sorrows much as she just spread so many smiles. So I think that was one thing that I really will miss about her, that she was always smiling. यू नो रीटा जी मेरी रूममेट थी, हम लोगों ने मेकअप रूम शेयर किया था ऑलमोस्ट एक साल के लिए, और पर उनकी खासियत यह है कि जैसा क्रिस्टल ने कहा, शी वुड नेवर से एनीथिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ, शी इज गोइंग टू एनीथिंग, शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग. सेट पे सबसे पहले आना और एकदम लास्ट जाना वॉज आई थिंक हर ट्रेडमार्क, एंड वन थिंग दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव लर्न फ्रॉम हर इज़ कि काम कैसा भी हो, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, पेनफुल, स्ट्रेनुअस, वो कभी क्रिब नहीं करती थी. शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, अपनी किताब पढ़ती थी सेट पे और रिलैक्स रहती थी. आई थिंक ये हम सब ने उनसे सीखा है. सो गॉड ब्लेस हर सोल वेर एवर शी इज़, एंड आई एम श्योर वो जहाँ भी हैं वो वहाँ जाके भी करेले और चंदा ज़रूर. आई थिंक रीटा जी को सब इतने प्यार से याद करते हैं बिकॉज शी वॉज जेन्युइनली अ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन. मैंने कभी उनको किसी की बुराई करते हुए नहीं देखा, हंसाती रहती थी हमें हमेशा, खिलाती भी रहती थी. और एक दिन इनफैक्ट ऐसे मैं साथ खड़ी थी उनके और उनको वो चक्कर आ रहे थे शायद, और सडनली नेक्स्ट थिंग आई नो बेहोश हो गई वो, तो हम सब ने उन्हें पकड़ा, उनका रीटा जी आपने बताया क्यों नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं, नहीं नहीं शॉट ख़राब हो जाना था, तो आई वॉन्टेड टू फिनिश द शॉट. तो इतनी हिम्मत वाली थी, तो आई एम श्योर अपने लास्ट डेज में उन्होंने बहुत कुछ चाहा होगा. आई विश रीटा जी ने हमें बताया होता, वी वुड हैव बीन बाय हर साइड, वी मिस हर एंड वी लव हर. मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने उनके साथ दो सीरियल में लगातार काम किया, एकदम बैक टू बैक. बानी इश्क का कलमा चल रहा था, उसमें मेरी वो माँ बनी थी, उसके बाद तुरंत बगल में सेट लग रहा था एक नई पहचान का, जहाँ कास्टिंग चल रही थी और पूनम जी की कास्टिंग हो गई थी, और बाद में फिर रीटा जी की एंट्री हुई माँ के रोल में, बाद में फिर मेरी कास्टिंग भी हो गई, तो बड़ी खुशी हुई मुझे. और हम दोनों बड़े खुश थे कि हम फिर से एक और सीरियल साथ में करने वाले हैं. हमेशा वो मेरा पसंदीदा खाना, कभी चिकन कभी फ़िश बना कर लेके आती है, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सारे कलाकारों के लिए, मतलब टेक्नीशियंस के लिए भी अलग अलग से डब्बे आते थे, तो वो बहुत प्यार करती थी सबको और इतनी प्रोफेशनल थी और हमेशा सेट पे बैठी रहती थी. मैं हमेशा अपने शॉट के बाद उनको निगाहों से ही ऐसे पूछ लिया करता था कि ठीक रहा, तो वो वहीं से बोलती थी हाँ ठीक है, तो मैं ये तो बोलता था एक और, इतना गाइड करती थी और बहुत प्यार करती थी. आई प्रे दैट शी इज़ शी रेस्ट इन पीस, आई शोल रेस्ट इन पीस. थैंक यू. जैसा कि सबने कहा, बहुत ही एक अच्छी सोल, एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग थी. मैं उन्हें प्यार से दादी बोलता था बिकॉज वो सीरियल में भी मेरी दादी बनी थी, और लकीली मैंने भी उनके साथ दो शोज़ किए, एक मोही और एक नई पहचान. मोही में वो मेरी दादी बनी थी और एक नई पहचान में मेरी हीरोइन की दादी थी. वो इतनी एनर्जेटिक थी बावजूद उनकी कि उनकी तबीयत ख़राब रहने के बावजूद भी, बट जो सीन देती थी फुल ऑफ एनर्जी और ज़रा सा भी शिकन नहीं रहता था माथे पर. और एज अ पर्सन तो जितनी भी मेमोरीज़ हैं बहुत ही लविंग है, बहुत ही प्यार देने वाली और गाइड करने वाली. एंड मुझे यही लगता है कि वो ऐसी सोल हैं कि जहाँ भी रहेंगी लोगों को प्यार बांटेंगी,
इस वर्ल्ड से चलेगी, लेकिन दूसरे वर्ल्ड में डेफिनेटली जहाँ भी जिन लोगों के साथ हैं बहुत अच्छे से रहेंगी और लोगों को बहुत खुश रखेंगी. और आई विश हर ऑल द बेस्ट टू हर सोल बेसिकली एंड विल बी सेफ.